वेलकम टू MSA एग्ज़ाम। चले दोस्तों, एक बड़ी अपडेट देख सकते हैं ई पेपर प्रभात खबर से। अंतिम दौर में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी, अहम बैठक हुई है। इस बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया है, चलिए आपको बताते हैं। पुरा न्यूज़ प्रभात खबर से 26 तारीख का ये पेपर कटिंग है, देखिए क्या है पुरा न्यूज़। शिक्षा विभाग सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी में जोर शोर से लगा है। सोमवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में माध्यमिक और प्राथमिक निदेशालयों से जरूरी जानकारी ली गई। उनकी तैयारी क्या है, उनसे पूछा गया। सभी अफसरों ने शिक्षा मंत्री को सिलसिलेवार जानकारी दी। बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। शिक्षक नियोजन को लेकर चल रही तैयारियों के मद्देनज़र यह संभावना है कि शिक्षा विभाग प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करेगा। चूँकि इस बार नियोजन के आवेदन की प्रक्रिया सेंट्रलाइज और ऑनलाइन प्रस्तावित है, इसलिए विभाग को इसके लिए नियमावली 2020 में जरूरी संशोधन करने पड़ रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की नियमावली भी करीब करीब बन चुकी है। बैठक में नियमावली पर भी गहन विचार मंथन हुआ, रिक्तियों की संख्या पर भी मंथन हुआ। कुल मिलाकर के सातवां चरण अब कुछ ही देर में, या कुछ समझिए कुछ दिनों में नोटिफिकेशन सातवें चरण का जारी होने वाला है।